दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अकाउंट में मोबाइल नंबर ईमेल ऐड चेंज करना बताऊंगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर रहा हूं और क्रोम ब्राउजर के सर्च बॉक्स पर टाइप करूंगा सीआरए डैस एन एस डी एल डॉट कॉम ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एन पी का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है इसे मैं जूम कर रहा हूँ सब्सक्राइबर्स वाले बॉक्स में यूजर आईडी के सामने प्रान नंबर डालूंगा नीचे पासवर्ड डालूंगा एन पी अकाउंट का पासवर्ड जिसका नहीं बना है या भूल गए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूजर आई के सामने प्रणान नंबर डाल दिया है नीचे पासवर्ड डाल दिया हूँ कैप्चर सेवेंटी सिक्स प्लस एट इक्वल एट्टी फोर डाल दिया हूँ और अब मैं सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा एनपीएस अकाउंट होम पेज ओपन हो चुका है इसे मैं जूम कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं डेमोग्राफिक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और डेमोग्राफिक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड अपडेट ईमेल आईडी मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है रजिस्टर्ड अपडेट ईमेल आईडी मोबाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसे मैं जूम कर रहा हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके हम अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को ऐड चेंज कर सकते हैं एन अकाउंट का पासवर्ड बनाना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट निकालना पैन कार्ड डाउनलोड करना इत्यादि वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी और भी इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद